अस्सलाम वालेकुम जमात सोईन, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और वीडियो लेसन्स को देखते हुए अपना काम मुकम्मल करके गूगल क्लासरूम पर भेज रहे होंगे। अब कौन सा बच्चा मुझे बताएगा कि गुज़श्ता रोज़ हमने क्या काम किया था? हमने क्या सीखा था? सब्जियों और फलों के नाम। हमने क्या सीखा था? सब्जियों और फलों के नाम। अब कौन सा बच्चा बताएगा? अमार बेटा, आप मुझे बताएं कि चाहे वो सब्जियों का नाम हो, चाहे वो फलों का नाम हो, किसी भी चीज का नाम क्या कहलाएगा? शाबाश, किसी भी चीज का नाम क्या कहलाएगा? इस्म। क्या कहलाएगा? इस्म। चाहे वो फलों का नाम हो, चाहे वो सब्जियों का नाम हो, चाहे वो रंगों का नाम हो, चाहे वो हफ्ते के दिनों का नाम हो, महीने के दिनों का नाम हो, यहां तक कि दुनिया की हर चीज का नाम। दुनिया में तो बहुत सी चीजें मौजूद हैं। अगर आप देखो तो दीवार है, पंखा है, बल्ब है, दरख्त है, फल है, फूल है, रंग है, आसमान है। आसमान पे क्या होते हैं? बादल होते हैं, चांद होते हैं, तारे होते हैं। तो क्या है? दुनिया की हर एक चीज का नाम क्या होता है? अलिफ सीन मीम इस्म। क्या होता है? अलिफ सीन मीम इस्म। दुनिया की हर एक चीज का नाम क्या होगा? इस्म। अगर आप किताब देखो तो वो भी है, तख्ता सफ़े देखे तो वो भी है, मोबाइल देखे तो वो भी है, कंप्यूटर देखे तो उसका भी कोई नाम है, कुर्सी देखे तो उसका भी कोई ना कोई नाम है। तो दुनिया की हर एक चीज का नाम क्या हो जाएगा? इस्म। दुनिया की हर एक चीज, चाहे वो जगह है, चाहे वो किसी मुल्क का नाम है, चाहे वो किसी शख्स का नाम है, चाहे वो फिर किसी शख्स का नाम है, चीज का नाम है, किसी जगह का नाम है, वो सब क्या हो जाएगा? इस्म। चीज आप देख रहे हो, चीजें कौन कौन सी होती हैं? मेज, कुर्सी, पलंग, अलमारी। लेकिन जगह, जब हम किसी जगह का नाम लेंगे मतलब आसमान हो सकता है, लाहौर का नाम हो सकता है शहर हो, और ये भी हो सकता है मुल्तान हो। तो किसी भी जगह का भी जब नाम आ जाएगा तो वो हमारे पास क्या बनेगा? इस्म। उम्मीद करती हूँ फलों और सब्जियों के नामों के साथ साथ आपको इस्म के बारे में भी अच्छे से दोहराई हो गई होगी कि किसी भी चीज़ का नाम क्या होता है? इस्म। अब हम जाएंगे अपने आज के काम पर, जिसमें हम सीखेंगे चिड़ियाघर की सैर। हम देखेंगे एक बहुत खूबसूरत तस्वीर जो आपके आपकी किताब के सफ़ा नंबर 13 पर दी हुई है। उसमें भी मुख्तलिफ जानवर नज़र आ रहे हैं। क्या नज़र आ रहे हैं? जानवर। चिड़ियाघर की सैर। हो सकता है कि आप लोग भी चिड़ियाघर की सैर करने के लिए गए हो और मैं भी गई हूँ। वैसे मैं तो गई हूँ, मैंने तो चिड़ियाघर की बहुत सैर की है जब मैं बिल्कुल छोटी सी थी, और मैंने उसमें बहुत सारे जानवर देखे। कुछ ऐसे जानवर जिनके बारे में तो मुझे पता ही नहीं था कि ये कौन सा जानवर है, ये कौन सा जानवर है। आज हम क्या सीखेंगे? चिड़ियाघर की सैर। नीचे दी हुई तस्वीर में कौन कौन से जानवर हैं? अब ये तो हमें कैसे पता चलेगा कौन कौन से जानवर हैं? यहाँ पे तो है हिरन है, मछली है, भालू है, ज़ेब्रा है, बंदर है, तोता है, हाथी है, मोर है और शेर है। अब हम क्या करेंगे? जो जुमले उन्होंने हमें किताब के सफ़ा नंबर 13 पर दिए हुए हैं, हम उन्हें पढ़ेंगे और देखेंगे कि जो तोड़ हमें उन्होंने दिए हुए हैं, मिसाल के तौर पर जो हरूफ उन्होंने हमें दिए हैं,
हम उनको मिलाकर लफ्ज बनाएंगे और लफ्जों को खाली जगह में पुर करेंगे। चिड़िया, चिड़े चिड़, ये अलिफ या, चिड़ या घर, घर रे घर, का छुटिए की सीन ये रे सैर। हमारे सभा का नाम क्या है? चिड़िया घर की सैर, चिड़िया घर की सैर। सैर के लिए हम जा रहे हैं कहाँ पर? चिड़िया घर में। अब उन्होंने क्या बोला है? चिड़िया घर में डैश है, डैश चिड़िया घर में। चिड़िया, चिड़े चिड़, ये अलिफ या, चिड़िया गा फेरे घर में डैश है। और यहाँ पर उन्होंने हमें क्या दिए हुए हैं? हरूफ, जिनको मिलाकर हमें क्या बनाना है? ये लफ्ज, जिनको मिलाकर हम क्या बनाएंगे? मुख्तलिफ अल्फाज बनाएंगे। पहला है हे अलिफ थ छोटी ए, तो इनसे हमारा कौन सा लफ्ज बन सकता है? मेरा बेटा आप बताए। शाबाश, हे और अलिफ मिल लेंगे तो हे की छोटी शक्ल और अलिफ किससे दोस्ती करेगा? अपने अगले लफ्ज के साथ। इन दोनों लफ्जों को मिलाया, इन दोनों हरूफ को मिलाया तो क्या लफ्ज बना? हे अलिफ हा, हे अलिफ हा, और उसके साथ क्या है? थ छोटी ये था मिलाया, और साथ में उसने किससे दोस्ती की? अपने अगले लफ्ज के साथ थे या फिर पिछले दोनों लफ्ज के साथ थे? बेटा आप बताएं। शाबाश, अपने अगले लफ्ज के साथ दोस्ती की। ऐसे हे अलिफ हा, थे छोटिए थी हा थी। अब हम इस खाली जगह पुर में क्या लिखेंगे? हे अलिफ हा थे छोटिए थी हा थी। कितना आसान काम हो गया कि हरूफ आपको किताब में दिए हुए हैं, आपने उनसे मुख्तलिफ अल्फाज बनानी है। जब हम अल्फाज बना लेंगे तो हम इनको आसानी से अपने खाली जगह में पुर कर देंगे। अब है चिड़िया घर डैश डैश डैश। अब उन्होंने हमें क्या बोला है? चिड़िया चिड़ या, चेड़े चिड़, ये अलिफ या, चिड़ या गा फेरे घर डैश 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 और खत्म, मतलब हमारी बात मुकम्मल हो गई है। डैश डैश मतलब है खाली जगह पुर, खाली जगह पुर और खाली जगह पुर करें। मीम वाओ रे, अब इससे कौन सा लफ्ज बनेगा? मोहे बेटा आप बताएं। शाबाश, मीम की छोटी शक्ल बनती है। मीम की क्या बनती है? छोटी शक्ल। मीम की हमने छोटी शक्ल बना दी, वो वाओ से दोस्ती कर सकते हैं बच्चों? जी हाँ, वो किससे दोस्ती करेगा? वाओ से। किससे दोस्ती करेगा? वाओ से। मीम वाओ मो, आगे क्या लिखेंगे हम? रे। मीम वाओ मोरे मोर, मीम वाओ मोरे मोर। अब ये तो वो लफ्ज हो गया जो हमें दिया हुआ था, जिससे क्या बन रहा है? एक जानवर का नाम। वही बात आ गई कि हमने तो जानवरों का जिक्र ही नहीं किया था, हम तो कह रहे थे फलों के नाम, रंगों के नाम, सब्जियों के नाम, फूलों के नाम। उसी तरह क्या आ गए? जानवरों के नाम। क्या आ गए? जानवरों के नाम। और ये देखिए मोर और हाथी, मोर और हाथी, ये दोनों भी क्या हैं? इस्म हैं। ये दोनों भी क्या है हमारे पास? इस्म। हम पहली खाली जगह में क्या लिखेंगे? चिड़िया घर डैश डैश डैश, मतलब चिड़िया घर में डैश है। चिड़ियाघर में क्या है बच्चों?
मोर। चिड़ियाघर में क्या है? मीम व मोरे मोर। चिड़ियाघर में हाथी है, चिड़ियाघर में मोर है। चिड़ियाघर खाली, चिड़िया से हमने एक लफ्ज बनाना है। अगला लफ्ज चिड़ियाघर। चिड़ियाघर खालीपुर, खाली जगह पुर और खाली जगह पुर। तो सबसे पहले क्या आएगा? चिड़ियाघर में। शाबाश सुभान बेटा, आप बताइए यहां पर क्या आएगा? है, शाबाश। उसके बाद दरमियान में जो रह गया है वहां पर क्या आएगा? ये हरूफ। वहां पर कौन सा लफ्ज आएगा? इन हरूफों, हरूफ को मिलाकर जो एक लफ्ज बनेगा वहां पर ये लफ्ज आएगा। बे की छोटी शक्ल, शाबाश। नून की छोटी शक्ल बनती है बच्चों? दाल की छोटी शक्ल बनती है बच्चों? जी नहीं। तो दाल किससे दोस्ती करता है? अपने पिछले लफ्ज के साथ दोस्ती करेगा या अगले लफ्ज से दोस्ती कर लेगा? शाबाश, किससे दोस्ती करेगा? अपने अगले लफ्ज के साथ। और रे, रे को भी तो दाल से दोस्ती करनी चाहिए ना बच्चों। देखो रे भी क्या है? शरारती नो है, और वो तो अपने पिछले लफ्ज के साथ दोस्ती करेगा। होना तो ऐसे ही चाहिए, लेकिन क्या है? दाल और रे दोनों क्या है? शरारती नो है। दोनों क्या है? शरारती नो। तो ऐसा तो कभी नहीं होता कि दोनों शरारती नो आपस में दोस्ती कर लें। वो तो हमेशा शरारत करते रहेंगे, एक दूसरे से लड़ाई करेंगे। इसलिए क्या होगा? बे नून दाल भी वैसे ही आ जाएगा और रे भी वैसे ही आ जाएगा। तो ये लास्ट क्या बनेगा? बे पहले नून दाल रे। बन बे नून बन दाल रे दर। बन दर। ये हमारा किस जानवर का नाम बना है? बंदर, जो बहुत शरारती है, जो बहुत क्या करता है? शरारती है। एक दरख्त की टहनी से दूसरी दरख्त की टहनी पर उछल कूद करता रहता है, 24 घंटे खेलता रहता है। शरारत करके कभी किसी को तंग करता है और कभी किसी जानवर को तंग करता है। अब हम जाएंगे अपने अगले जुमले पर, जिसमें क्या है? चिड़ियाघर बे नून बन दाल रे दर। बन दर। अमार बेटा, अब हम सबसे पहले क्या लिखेंगे अपनी खाली जगह में? लिखेंगे मे। और सबसे आखिर में क्या आएगा? है, शाबाश। क्या आएगा? है। चिड़ियाघर में डैश है। अब हमने देखना है क्या नाम है। चिड़ियाघर में डैश है। चिड़ियाघर में क्या है? जानवर। और हर एक जानवर का क्या नाम बनता है? इस्म। हर एक जानवर का क्या होगा? नाम क्या बन जाएगा हमारे पास? इस्म। चाहे वो हाथी है, चाहे वो मोर है, चाहे वो बंदर है, चाहे वो शेर है, चाहे वो तोता है, चाहे वो मछली है, तो हर एक जानवर का क्या नाम बन जाएगा हमारे पास? इस्म। जे, क्या जे अपने पिछले लफ्ज, क्या जे के पास पहले कोई लफ्ज था? जी नहीं। और ये किससे दोस्ती करेगा? अपने पिछले हरूफ के साथ। जे से पहले भी कोई हरूफ नहीं है, उसी तरह रे से भी पहले कोई